नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जो हमें हमारे जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी है एक युवा लड़के की जो अपने गांव में रहता था। उसे पुरानी यादों और बुरी घटनाओं के बारे में सोच सोच कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान था। अगर किसी ने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो वह पूरे दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। उसके दिमाग में हर वक्त वही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता था या भगवान को, या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण उसके न तो लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम अच्छे कर पाता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि यहां पास के गांव में बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें इसका कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे अपनी मानसिक समस्या के बारे में। युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी चीजों या यादों को नहीं भूल पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर कुटिया के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु बिना कोई जवाब दिए ऐसे उठकर चले जाते हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहा है। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना है? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को एक घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं? लड़के ने कहा, पूरे दिन आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ मर भी सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन अब मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। लंबे समय तक उनके बारे में सोचें और आप पीड़ित होने लगेंगे, और उन्हें अपने दिमाग में रखें, आपका दिमाग लंबे समय तक रहेगा, फिर वे आपको परेशान या पागल करना शुरू कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो उस ग्लास की तरह यह भी आपकी जिंदगी में दर्द पैदा कर देगा। अगर आप आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहेंगे, ये अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करेंगे। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति बनने का प्रयास करें। आज ही प्रयास करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता छोड़ें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है।